आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। यहाँ पर हम नहीं पर ध्यान दे रहे हैं, तो आप इस चार विकल्प में से एक सही जवाब हमें बता सकते हो। फिर हमारा प्रश्न आता है कि भारत को सबसे पूर्वी देशांतर, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। इसमें भी आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, चार ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ। देखिए गैख है, गैग है, आपको इनमें से एक सही जवाब हमें बताना है। प्रश्न है, भारत को सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा होता है। प्रश्न है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। चार ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे, चार में से सही जवाब आपको बताना है। उसके बाद हमारा प्रश्न आ जाता है कि ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही जवाब आपको बताना है। पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान, निकोबार और द्वीप और दमन, इनमें से एक आप। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए कि वह देश कौन सा है। अब आप देखिए यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, इसमें जो है भूटान, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, इन चारों में से आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ मैं आपको सभी प्रश्नों के जवाब एक बार बता देती हूँ, आप अपने प्रश्नों के जवाब चेक कर लीजिएगा कि आपने सही बताए हैं या नहीं। पहले का उत्तर है ऑप्शन ख, दूसरे का उत्तर है ऑप्शन क, तीसरे का उत्तर है ऑप्शन ग, चौथे का उत्तर है ऑप्शन ख, पांचवे का ऑप्शन ख। उसके बाद प्रश्न दो जो है उसके हम प्रश्नों की बात कर रहे हैं कि नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर हमें बताने हैं। संक्षिप्त उत्तर हमें बताने, तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। तो यदि आपको प्रश्न का जवाब पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए। साथ ही मैं आपको अभी इसका उत्तर बता देती हूँ। अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। दक्षिण में श्रीलंका तथा मालदीप द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। उसके बाद जो हमारा प्रश्न आ रहा है, दूसरा प्रश्न जो है, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो भारत से बड़े जो देश हैं उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। नाम है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हमारा प्रश्न आता है, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताने हैं। तो इनके नाम हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उत्तरी पड़ोसी देश जो हैं चीन और नेपाल, भूटान, ये देश हैं। प्रश्न आता है कि भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताने हैं। तो कर्क रेखा जो गुजरती है उसके नाम मैं आपको बता रही हूँ, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम आदि राज्य से होकर के गुजरती है। आज हम केवल संक्षिप्त प्रश्नोत्तर की ही बात करेंगे। मिलते हैं अपने ऐसे ही जानकारी वाले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।